ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सो हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, थर्ड वर्स। ओ सेकंड श्लोक याद किए, सेकंड वर्स याद किए सबने? 1:1:3 हम लोग ये पढ़ रहे हैं। और निगम कल्पतरोर गलितम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबतम भागवतम रसमालयम, मोहर अहो रसिकः भुवि भावुकः। सो दैट्स अ गुड वर्स। बस मैं कमेंट कर दूंगा इस पे। ओम अज्ञानातिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाका चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की। सो तीसरा श्लोक जैसे मैंने बताया था प्रयोजन का श्लोक है। पहला श्लोक संबंध, दूसरा अभिधेय और तीसरा प्रयोजन। ये तीन श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लस फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह चलता है। सो सुता गोस्वामी क्या कह रहे हैं, निगम कल्पतरोर गलितम। ये एक शब्द है, अगर संस्कृत में देखोगे ना, निगम कल्पतरोर गलितम। संस्कृत में जो शब्द जोड़े जाते हैं ना, उसका भी मीनिंग होता है, क्यों जोड़े गए हैं, क्यों अलग है। ऐसी तो नहीं है कि अलग फेंक दिया उसको, इज अ लॉजिक देयर। तो निगम कल्पतरोर गलितम एक शब्द है। अब वो एक शब्द क्यों मैं बताऊंगा अभी, बट पहले इसमें तीन शब्द है, नहीं निगम कल्पतरु गलितम। सो कल्पतरोर या सो क्या है, संस्कृत में बाद में जाऊंगा, पहले मैं बताता हूँ निगम का मतलब क्या है। निगम, वेद को क्या बोलते हैं, निगम बोलते हैं, आगम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गम का मतलब क्या होता है संस्कृत में, जाना, और निगम मतलब जहां से सारा ज्ञान जाता है पूरे संसार में, यानी सारा ज्ञान वहीं से जाता है या वहीं से आता है। गम का मतलब आना भी होता है, से बंगाली में कहते हैं ना, ये सिद्धार्थ को पता होगा, आमी आशबे, वो जा रहे हैं, आमी आशबे, मैं आ रहा हूँ, आई, वो जा रहा है, वो कह रहे हैं आ रहा हूँ, ऐसे कहते हैं ना जब जा रहे होते हैं, आ रहा हूँ, वो जा रहे हैं। तो गम का मतलब आना भी होता है, मतलब अगर आप देखोगे तो जहाँ से सारा ज्ञान आ रहा है, या यूँ कह लो जहाँ से सारा ज्ञान संसार में जा रहा है, इसलिए निगम कहते हैं उसको। और एक और शब्द होता है आगम। आगम तो समझ गए, नहीं आगम, आ का मतलब है आना। नहीं अब यही तो बात है, आगम मतलब होता है आ ब्रह्मा भुवना लोका, सुना है श्लोक, मतलब ब्रह्म लोक से लेकर सबसे नीचे के लोक तक। आ मतलब सारे लोकों में जन्म मृत्यु है, आ ब्रह्मा। या जैसे महाचैतन्य महाप्रभु के लिए कहते हैं आजान उलंबिता कनक अवतार, आ जानू मतलब भगवान के हाथ कहां तक है, जानू तक है, आ जानू। तो ऐसे आगम का मतलब है आगम मतलब जाना या आना, वॉट एवर। आ मतलब जहां से पूरा ज्ञान आता है, आध्यात्मिक से लेके भौतिक तक सारा ज्ञान वेदों से आ रहा है, और कोई सोर्स ही नहीं है। लैंग्वेज, राइटिंग सिस्टम, मैथ्स, केमिस्ट्री, आयुर्वेद, मेडिकल, सब कुछ वहां से आ रहा है, प्लस स्पिरिचुअल नॉलेज आ रही है, प्लस फिलॉसफी, सब कुछ आ रहा है, इसलिए उसको आगम कहते हैं, समझ गए। तो निगम और आगम दो शब्द होते हैं। यहां पे बोल रहे हैं निगम, निगम कल्पतरोर। अब पॉइंट ये है कि सारा ज्ञान है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप जो निकालना चाहो निकाल लो, वो आपके ऊपर है। इसलिए वेदों को क्या बोला जाता है, कल्पतरु, कल्पवृक्ष बोला जाता है वेदों को।
क्योंकि आप कल्पवृक्ष से, कल्पवृक्ष कुछ भी दे सकता है मगर जो आप मांगोगे वो देगा। यानी आप बोलो कल्पवृक्ष जी हमें पिज्ज़ा दे दो, मिल जाएगा, छोले भटूरे मिल जाएगा, टाइम बॉम्ब वो भी मिल जाएगा। तो कल्पवृक्ष जो इच्छा करोगे दे देगा, वो आपकी मर्जी है। इसलिए वेद निगम कल्पतरु में जो इच्छा करोगे मिल जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप गलत इच्छा करोगे तो गलत चीज़ मिलेगी, सही इच्छा करोगे तो सही चीज़, वो आप फंस जाओगे। भगवान इसलिए कह रहे हैं वेद वाद रता पार्थ अन्यत। कृष्णा कह रहे हैं जो वेदों के वेद वाद रता, वेदों के ज्ञान में लोग लो फंस जाते हैं, वो फिर खो जाते हैं उसमें। नान्यत क्या है? वेद वाद रता पार्थ नान्यत अस्थिति नहीं धनंजय थोड़ा ना, नान्यत अस्थिति कामिना, ऐसे ही है जो वेद का अलंकारिक ज्ञान। हाँ अलंकारिक ज्ञान ये। सो दैट्स अ होल पॉइंट। आप वेदों से निकालना चाहो कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो आप। मतलब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ के, श्रीमद् भागवतम कल्पतरु, वेदों को कल्पतरु कह रहे हैं, आप वेद पढ़ के आप हिटलर भी बन सकते हो। हिटलर वैसे वेदों पर रिसर्च करा रहा था प्लेन्स बनाने के लिए अपने स्पेशल, उसने सब लोग विमान शास्त्र पढ़ रहे थे और सब ट्राई कर रहे थे। तो तांत्रिक, एक्चुअली हिटलर एक्चुअली तांत्रिक में बहुत बहुत ज़्यादा था, तांत्रिक विद्या में। हिटलर का बहुत सबसे नियर सेक्रेटरी था हिमलर, वो पूरा ही तांत्रिक में था अपने। अब पता लगे रिसर्च करके, नीचे उनके पूरे तंत्र करते थे। इसलिए हिटलर का साइन क्या था? स्वास्तिक है, उल्टा स्वास्तिक, वो वहीं से लाया है वो इंडिया से। सो कल्पतरु कहते हैं अगर आप भगवान चाहते हो वेदों से भगवान मिल जाएंगे, अगर आप कर्मकांड चाहते हो कर्मकांड मिल जाएगा, मोक्ष चाहते हो मोक्ष मिल जाएगा, भोग चाहते हो भोग मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन यू। धर्म चाहते हो धर्म मिल जाएगा, आपकी मर्जी है क्या चाहते हो आप। इसलिए इसको कल्पतरु कहते हैं। वेद वेद माता सबकी इच्छा पूरी कर देती है, आइडिया ये। सो कल निगम कल्पतरु गलितम, मगर श्रीमद् भागवतम स्पेशल है। श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का सार है। मतलब ये जो शब्द है ना गलितम, इसका मतलब होता है वैसे तो मीनिंग लिख रहे हैं फुली मैच्योर फ्रूट। गलितम मतलब जब फल कच्चा होता है, तो जब पूरा पका नहीं होता तो कच्चा सा होता है ना, हार्ड होता है ना, जब पक जाता है तो गल नहीं आता, सॉफ्ट हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम पक्की पका हुआ फल है, इसलिए गलितम का वैसे तो मतलब गला हुआ होता है, मगर उसका मीनिंग यहां पर यह है कि ये फल पक गया है, फुली मैच्योर। भागवतम में व्यासदेव जी ने वेदों से केवल भक्ति निकाल के डाल दी है, बाकी सब हटा दी, बाकी सब हटा दिए। आप भागवतम पढ़ के आप उसमें से आयुर्वेद या बायो वायो वो सब नहीं निकाल सकते आप। निकालना चाहो आप, तोड़ मोड़ के निकालना चाहो वो तो चलो फिर भी निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अगर आप वैसे पढ़ोगे तो आप भक्ति ही आएगी आपके दिमाग में। डिजाइंड ही ऐसे है, फुली मैच्योर। आप धर्म निकलना तो धर्म ही निकल जाएगा, मगर ज्यादा तोड़ नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शंकराचार्य होते हैं ना, शंकराचार्य जो मायावादी होते हैं, मायावादी सारे सारी किताबों पर टिप्पणी करते हैं, सारे वेद सारे पुराण, भागवतम को नहीं छूते। शंकराचार्य ने भागवतम को छुआ ही नहीं, टिप्पणी लिखी नहीं। शंकराचार्य से पूछा भैया आपने भागवतम पे क्यों नहीं टिप्पणी लिखी, शंकराचार्य ने कहा भाई मैं कोशिश तो कर लूंगा तोड़ मरोड़ करने की, जैसे मैंने वेदों को तोड़ मरोड़ के ये प्रूफ कर दिया आत्मा परमात्मा है, भागवतम में पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा मैं, हम नहीं कर सकते। आप मानना पड़ेगा कृष्ण, मानना पड़ेगा कृष्ण है और मानना पड़ेगा भक्ति है, वो आप नहीं कर पाओगे, तोड़ नहीं पाओगे उसको। हालांकि आजकल के मायावादी भागवतम कथा करते ही हैं, मगर वो तो फिर सारे श्लोक भी नहीं लेते, वो तो कहानियां बोलते रहते हैं। आप श्लोक लोगे आप कर ही नहीं सकते, आप फंस जाओगे। भक्ति स्पष्ट है, स्पष्ट है वहां भक्ति, आप कुछ नहीं कर सकते। सो इसलिए कह रहे हैं गलितम फलम, भागवतम फल है। अब ऐसे एग्जांपल दिया जाता है, वेद क्या है? वेदों को वृक्ष बोला जाता है, वृक्ष है कल्पतरु। भागवतम क्या उसका फल है। अब उसमें क्या पता है क्या है, क्या एक्सप्लेनेशन है कि आप अगर आप
आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ की आप टहनी खाओ मीठी लगेगी, क्या मीठा लगेगा? फल। मगर फल में रस कहाँ से आ रहा है? पेड़ से आ रहा है। तो मगर पेड़ खा के तो मीठा नहीं लग रहा ये है ना। तो ऐसे ही है भागवतम वेद से ही आ रहे हैं, मगर वेद पढ़ के आपको रस नहीं आएगा, रस तो भागवतम पढ़ के आएगा। दैट्स द होल आइडिया। इसलिए आप कह रहे हैं एनीवे बाद में आएगा रस की बात, इसलिए भागवतम को फल कह रहे हैं। और सारे वेदों को वृक्ष बुलाता है। सारे वेदों को वृक्ष कहां बोला गया मुझे बता दो, क्या प्रमाण है वेद वृक्ष है? कोई पूछे भी आप तो ऐसी एग्जांपल फेरते रहते हो, नहीं तो तो ऐसे तो कल कोई लेक्चर देगा कहेगा भैया वेद तो ऐसा है, वेद मान लो जैसे मारुति कार है और उस कार में बैठने वाला पैसेंजर भागवतम है कुछ भी कह सकते हो। बट ये जो एग्जांपल्स हैं, वेद वृक्ष है और भागवतम फल है, ये शास्त्रों से आ रहा है। भागवतम फल है वो तो आ गया, वेद वृक्ष है उसका प्रमाण क्या है? तो चलो यही है निगम कल्पतरु, ये तो है ही यही, और कोई प्रमाण है कि वेद वृक्ष के समान होते हैं? हाँ पंद्रह आएगा। पहला श्लोक क्या है? ऊर्ध्वमूलम् अधम शाकम् अश्वत्थम् प्रारभ्यम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेद वेद छन्दांसि यस्य वेदो। संसार को और वेद को वृक्ष से कंपेयर किया गया है, दोनों को। एक्चुअली जो वेदों के जो सूक्त हैं उनको छंदांसि यस्य पर्णानि, जो उस वृक्ष की जो पत्तियां हैं, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वृक्ष की जो पत्तियां हैं उसको वेदों से कंपेयर किया, वेदों के जो सूक्त हैं जो वो हैं, और जो टहनियां हैं वो वेदों से किया गया, तो दोनों से कंपेयर किया जाता है। इसलिए वेद को वृक्ष से भी कंपेयर किया गया है, संसार को भी किया गया, दोनों को ऐसे करते हैं। वो प्रमाण है आप दे सकते हो, यस्तम वेद स वेद वेद, जो इस संसार को जानता है और वेदों को जानता है वो सब कुछ जानता है। यस्तम वेद स वेद वेद। सो आप किस में इंटरेस्ट हो, वृक्ष में या फल में? फल में, फल में ही नहीं। और जिस वृक्ष में फल नहीं लगते वो वृक्ष का कोई फायदा नहीं है। जो गाय दूध नहीं देती वो गाय भगवान ही कह रहे हैं, वो तो एक भार है सर पे, भगवान तो ऐसा कह रहे हैं। ऑफ कोर्स हम ऐसे हम रखते हैं फिर भी बिना दूध देने वाली गाय भार है थोड़ा, लेकिन आशा तो है कि वो तो भी रखते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि बिना भागवतम के वेद भार है, केवल सर पे भारी है। तभी कृष्ण कह रहे हैं वेद वाद रता पार्था, जो केवल वेद पढ़ते हैं, केवल वेद पढ़ते हैं वो वाद में फंस जाते हैं वेदों के। वाद समझते हो, वाद समझते हो, वाद विवाद उसमें फंस जाते हैं। और रतः, और उसी में बस रत होके बस ब्राह्मण वेद पाठी ये वो उसी में फंस जाते हैं बस। इनफैक्ट वैसे पता है चैतन्य प्रभु की इतनी कृपा है कि हम महाचैतन्य प्रभु के मूवमेंट से जुड़ के हम बड़े बड़े वेदज्ञों से भी डिबेट कर सकते हैं बिना वेद पढ़े, देख लो आप। बल्कि बहुत सारे वेद पढ़ने वाले उनको क्लियर ही नहीं होती फिलॉसफी, कोई क्लियर नहीं होती उनको जितनी हमें क्लियर है भागवत पढ़ के। तभी तो प्रभुदा ने सोचिए लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक चंडाल भी परमहंस बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने ये किया है, वो भी ऐसी बातें करेगा, एक चंडाल भी ऐसी बातें करेगा जो बड़े बड़े परमहंस भी सुनेंगे उसको आकर ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, ये उनका मूवमेंट है, ये उनकी नॉलेज है। सुनेगा मकल पतरूर गलितम फला, वह फल मिल गया आपको, ठीक है, आम मिल गया आपको, उसमें रस भी आ रहा है। मगर ये भागवतम का रस और टेस्टी बन गया है। कैसे? सुखमुखाद, क्योंकि किसके मुख से निकल रहा है? सुखदेव को सौंप के, और टेस्टी बन गया वो, और इतना टेस्टी बन गया कि नारद मुनि व्यासदेव जिसने भागवतम पढ़ाया सुखदेव को सौंप के, वो आके सुन रहे हैं, उनके गुरु उनके टीचर कि भी मैं
मैं भी सुनूंगा। कभी हुआ है शिष्य सुन रहा है बैठ के गुरु की, मतलब गुरु सुन रहा है नारद की, शिष्य से नारद मुनि सुन रहे हैं, नारद मुनि जो व्यासदेव के गुरु है मतलब गुरु और गुरु के गुरु वो सुखदेव गोस्वामी, मतलब यू कैन इमेजिन सुखदेव गोस्वामी कितने एक्सपर्ट, कितने प्योर और कितने परफेक्ट होंगे भागवतम में कि शिष्य गुरु सुन रहा है बैठ के शिष्य को। ये ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी मैंने कोई कोई आपने पढ़ा कोई इंसिडेंस कि गुरु सुन रहा है, कभी नहीं हुआ। ये पहली बार देख रहे हैं, एक्सेप्शन हो गए एक दो, मगर ये पहली बार हुआ है यूनिक कि गुरु और गुरु के गुरु भी और सही ऋषि मुनि आके सुन रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसा ऐसा क्या बोल रहे हैं कि वो सुन रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं वो? उसी बात को थोड़ा रस, हाँ उसी बात को और रसिक वे में बोल रहे हैं। फिलॉसफी वही है, रसिक रस अलग है उसमें, बस उसी बात को अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट शिवजी तो यहां तक कह रहे हैं कि अहम वेति शुका वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति, मैं जानता हूं भागवतम, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, व्यासदेव भागवतम जानते हैं नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता बल्कि भागवतम बनाई किसने है, व्यासदेव ने, लो। अब बड़ी ऐसी बात है ना, ऑथर ही नहीं जानता, शिवजी का तो ये कह रहे हैं। तो व्यासदेव हो सकता है फिलॉसफी तो पूरी, ऑफकोर्स व्यासदेव तो जानते ही हैं, बट सुखदेव गोस्वामी उसके रस को एक्सेस कर पा रहे हैं ज्यादा। देखो सिद्धांत में तो लिमिट है, रस में कोई लिमिट नहीं है, सिद्धांत में भी वैसे कोई लिमिट नहीं है, सिद्धांत चल सकता है, सिद्धांत में फिर भी एंड हो जाएगा, सिद्धांत अंत हो गया ना, रस में कोई लिमिट नहीं है, रस आप कितना ही ले सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए भाई कृष्णा भगवान है, समझ आ गया सबको है, क्लियर है नहीं क्लियर है, बट डिपेंड करता है किसको कितना रस आ रहा है स्टेटमेंट में। अब आप बोलोगे कृष्णा भगवान है, ठीक है, अद्वैत आचार्य भी बोल रहे थे कीर्तन में, कीर्तन करते 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 क्या कह रहे थे, तो बंगाली में बोल रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के सामने डांस कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं, क्या है, तो महान को बंगाली में क्या बोलते हैं, कैसे बोल रहे थे, कृष्णा तुम अति वाड़ी ऐसी ऐसी कुछ बोल रहे थे, तो ऐसे कुछ बोल रहे थे कि कृष्णा महान है महान है महान है, ये बोल के नाच रहे हैं रो रहे हैं। अब देख रहे हो फर्क है नहीं, हम भी बोल रहे हैं महान है, वो भी बोल रहे हैं महान है, फर्क क्या है फिर, सिद्धांत का फर्क नहीं है, किसका फर्क है, रस का फर्क है। सुनाई दे रहे हैं, दे रही है सुनाई, पीछे पीछे आ जाओ, यहाँ तो पीछे बैठ सकती है वो, पीछे थोड़ा पीछे बिछा दो, नमस्ते प्रभु आपके साथ बैठ। तो रस का फर्क है एक्चुअली। जीवा गोस्वामी ने किताब लिखी है, वैसे तो संदर्भ लिखे हैं ना, छह संदर्भ, उसमें से एक संदर्भ है, तो पहला संदर्भ क्या है, तत्संदर्भ। तो उसमें जीवा गोस्वामी शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, यही दे रहे हैं ना भागवत में, है नहीं, तुम आत्मा शरीर नहीं हो, देखो विष्णु की भक्ति करो। तो जीवा गोस्वामी पॉइंट उठा रहे हैं कि प्रहलाद महाराज तो इतना बेसिक्स बोल रहे हैं नहीं, तो प्रहलाद महाराज को तो पता ही है सब कुछ, उनको तो पता ही है तुम आत्मा और शरीर नहीं हो, मगर तो प्रहलाद महाराज इतना बेसिक रिपीट कर रहे हैं, ऑफकोर्स उन दोस्तों के लिए कर रहे हैं, उनको तो समझ नहीं आएगा, मगर जीवा गोस्वामी पॉइंट उठा रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जब बोल रहे हैं ये कि तुम आत्मा और शरीर नहीं हो, प्रहलाद महाराज को उतना ही आनंद आ रहा है जितना ये सोचने में कि हरि महान है, वो उनको उसमें रस आ रहा है सोचने में कि तुम कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, उतना ही जितना रस आ रहा है कि कृष्णा राधा के साथ रासलीला कर रहे हैं। अब ये बताओ आप, सेम सेम, अब ये कैसे आ रहा है, हम आत्मा है शरीर नहीं है सोच के, हम तो ठीक है चलो प्रभु जी और कुछ बताओ, है नहीं प्रभुपाद से बोला था वैसे कई शिष्यों ने, प्रभुपाद आप बार बार बोलते रहते हैं हम आत्मा है शरीर नहीं, आत्मा कुछ और बताइए ना, प्रभुपाद ने कहा तुमने अनुभव कर लिया, प्रभुपाद ने कहा तो दोबारा सुनो। अब प्रॉब्लम ये जो जो नए भक्त होते हैं, जो नियोफाइट होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, वो बोर हो जाते हैं इन चीजों से, उनको नई 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 चीजें चाहिए होती हैं। जो परमहंस होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, उनको इसी में उतना रस आएगा जितना रासलीला में आ जाएगा,
मैं आत्मा हूं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, नहीं? क्योंकि उनके लिए हर चीज किससे कनेक्टेड है, कृष्ण से. प्रॉब्लम वो उनका भी है, कनिष्ठ अधिकारी के लिए नहीं है. मैं आत्मा और शरीर नहीं हूं, ठीक है, कृष्ण के बारे में बताओ, बोर हो गए. परमहंस कहेगा भाई मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं. आत्मा का स्मरण करके किसका स्मरण आता है, कृष्ण का. परमात्मा वही, आत्मा की आत्मा कौन है, कृष्ण है. सो उसको रस आ रहा है, दैट्स द होल पॉइंट देयर. सुखा मुखात, सुखदेव गोस्वामी इस तरह भागवतम बोल रहे हैं कि व्यासदेव नारद मुनि को भी रस आ रहा है, वो भी सात दिन बैठे हैं सुन रहे हैं. सो एक बात तो खैर इससे सीखने को मिलती है कि एक्चुअली प्रेजेंटेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, नहीं? अगर मेटेरियलिस्टिक लाइफ में बात करें, मतलब आप तो नीति शास्त्र में लिखा है कि आप परम विद्वान हो, परम विद्वान मगर कौए हो, कोई सुनेगा? और आप परम मूर्ख हो मगर कोयल हो, सब आपकी सुनेंगे. चिड़िया देखो सब सुनेंगे, कोई गधा है नहीं सुनेंगे, हो सकता है कुछ बोल रहा हो सही. सो दैट्स अ होल पॉइंट, प्रेजेंटेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. इनफैक्ट एक्चुअली, अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई लेक्चर दे रहा है, एक तो कॉन्टेंट एक प्रेजेंटेशन है, समझ रहे हो, कॉन्टेंट प्रेजेंटेशन समझ रहे हो ना, समझ रहे सब लोग कॉन्टेंट कैसे कहेंगे? हाँ कोई ईजी वर्ड बता दो, कोई वस्तु दो, कोई कैसे कहेंगे हिंदी में? मतलब जब भी कोई लेक्चर देता है तो दो चीजें होती हैं. चिंतित हो क्या हिंदी टीचर क्या कर रहे हो? एक तो मसाला हो गया ये कह सकते हैं, ये शब्द सही है, तो मसाला हो गया, कंटेंट हो गया उसका, क्या पॉइंट, ये पॉइंट 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 वो भी कह सकते हो. इसको कौन लैंग्वेज में मसाला कहेंगे? अब क्या पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट्स आ गए, वो आ गया. दूसरा चीज हो गई प्रेजेंटेशन, कि उसको किस तरह आप परोस रहे हो, परोस रहे हो ना, आपने मसाला वसाला सब्जी वब्जी तो बना दी, परोसने में भी तो फर्क पड़ता है, उससे आधी भूख तो उससे लग जाती है. बिन बोले ही समझ में आता है प्रेजेंटेशन किसी, वो भी बात है. एक्शंस नहीं, उसके बाद मतलब बॉडी पोस्चर भी बहुत फर्क पड़ती है. मतलब अगर मैं लेक्चर दूं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ठीक है, और ऐसे सीधा बैठ के दें तो ओम नमो भगवते, आप कहोगे यार सुनेंगे हम, फर्क है, बहुत फर्क है उसमें. सो प्रेजेंटेशन पे बहुत, अब मुझे बताओ कि प्रेजेंटेशन पे कितना डिपेंड करता है, कितना मसाला परसेंटेज है, कितना प्रेजेंटेशन है? 95% नहीं कह सकते हो, पर रिसर्च क्या कहती है? 93% नहीं आपने बताया, नहीं नहीं 93 नहीं बताया था मैंने, अलग रिसर्च हो सकते हैं, बट एक रिसर्च, कई रिसर्च किए हैं, बट एक यूनानिमस जो जनरल आंसर है 33% कंटेंट है, बाकी कितना बचा? 67% प्रेजेंटेशन है. इसलिए कई स्पीकर्स तो कहते हैं कि मसाले मसाला होना हो फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंटेशन सही कर दो, क्योंकि 67% प्रेजेंटेशन पे आपका लेक्चर परफेक्ट हो जाएगा. ऐसा भी बात है, मगर जनरली लोग क्या करते हैं, जब लेक्चर देते हैं प्रिपेयर करते हैं तो मसाला ढूंढते रहते हैं, नहीं पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ये नहीं सोचते प्रेजेंट कैसे करना है, इसलिए फेल होते हैं. और मैं बिल्कुल उल्टा करता हूं, इसलिए मेरे लेक्चर अच्छे होते हैं. मैं सोचता ही नहीं पॉइंट्स, मैं सोचता हूं कि चार पॉइंट प्रेजेंट कैसे करूं, और वही सोचता रहता हूं मैं आधे घंटे, कि ये पॉइंट पहले बोलना है या ये पॉइंट पहले बोलना है, इस पॉइंट को ज्यादा खींचना है, इस पॉइंट को कम खींचना है. तो वो सोचते सोचते फिर एक प्रेजेंटेशन स्टाइल आ जाता है, नहीं? सो वो फर्क है. ये लेक्चर में भी है, बातचीत में भी है, सब में ये काम करेगा. आप किसी से बात कर रहे हो तो बात करते वक्त हमें सोचते हैं नहीं कि हमने तो पॉइंट सही बोला है, तो उसने माना क्यों नहीं? भाई पॉइंट तो सही है, प्रेजेंटेशन सही नहीं है, इसलिए नहीं माना उसने. आप व्यासदेव हो, सुखदेव गोस्वामी नहीं हो. अभी व्यासदेव की बात नहीं मानी सबने, सुखदेव गोस्वामी की बात मान ली. व्यासदेव से कौन पढ़ने आया था बताना? कोई नहीं आया. सुखदेव गोस्वामी की बात मानी क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी प्रेजेंटर बहुत अच्छे हैं. शुक है ना, पैरेट है ना, शुक मतलब क्या होता है? तोता. प्रेजेंटर है तोते, क्या अच्छी नहीं होती? तोता कैसे बोलते हैं?
है पलापू तोते की आवाज कैसे होती है पता नहीं, बट अच्छी आवाज होती है, आप सुनोगे ना तोते की, एक मीठी सी आवाज होती है तोते की। ऐसा कहते हैं कि तोता अगर किसी फ्रूट को मुंह लगा दे वो बहुत मीठा होता है। हाँ कहते हैं, मैंने देखा नहीं आज तक, एक्चुअली उल्टा होता है, ट्रेन करने से आदमी का लैंग्वेज उल्टा होता है। तोता जिसको खाता है वो मीठा नहीं होता, जो मीठा होता है उसको खाता है। ये वो खाने से ना मीठा हो जाएगा, जो मीठा होता है उसको चुगता है तो पता लगता है कि मीठा है। वो तो कहने का स्टाइल है भागवत का, मगर अल्टीमेटली वैसे होता है, उसको उसको पहचान होती है ना कि कौन की कौन सा पक गया है, कि उसी को चोच मारेगा। तभी तो भागवतम चुना है, तभी वसुदेव गोस्वामी ने भागवतम चुनी। इसलिए कभी भी बात करो किसी से, कभी भी लेक्चर दो, हमेशा प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखो, कंटेंट बहुत सेकेंडरी है। और जो तो कुछ लोग होते हैं संसार में, उनको ये ट्रिक समझ आ जाती है पता है, और जिनको समझ आ जाती है ना उनको बोलते हैं सोफिस्ट्स, सोफिस्टिकेटेड लोग। सुना है सोफिस्टिकेटेड, सुना है वर्ड? ये आर्ट होती थी बोलने की, पहले सुख सिखाते थे लोग कि बोलना कैसे है, उसमें ही सिखाते थे कंटेंट मत सोचो, ये सोचो बोलना कैसे है। आप झूठ को भी सच बना सकते हो बोलने के ढंग से, जैसे वो आप कर सकते हो, आप देख लो बोलने के ढंग से बना सकते हो आप, और सच को भी झूठ बना सकते हो। लॉजिक की जरूरत नहीं है, बोलने का ढंग जरूरत है, लॉजिक ही फेल हो जाता है। आप अपनी बात भी मनवा सकते हो, चाहे पूरे इलॉजिकल हो, इलॉजिकल समझते हो, पूरे तर्कहीन हो, फिर भी बोलने के ढंग से आप अपनी बात मनवा सकते हो, बनवा सकते हो आप। सो ये कला है, ये जिसको आ गई उसको आ गया सब कुछ, बट लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं, एग्जैक्टली उल्टा। लेक्चर देते तक मसाला ढूंढेंगे, बोलते वक्त लॉजिक देंगे, मगर है ही नहीं ऐसा। सो ऐसे जैसे कभी कभी, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आप, जैसे मान लीजिए मैंने रूपविलास को बोला चल भी काम कर, करोगे ना भी करो, मतलब मैं बोलूंगा बाकी कोई बोले तो ये क्या है। इसी को आप अलग ढंग से ही बोल सकते हो, इसी चीज को चल काम कर, थोड़ा सा कम हो गया अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, इसी को और कर सकते हो। कैसे बोल सकते हैं हम ही बोल सकते हैं चलो काम करें, अब बताओ कैसा लग रहा है, चल काम कर नहीं लग रहा सही। अगर मैं बोलूं चल चलो काम करें, करेगा यार ठीक है अब करते हैं। मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने दो मात्रा चेंज की है, चलो काम करें, पहले मैंने कहा चल काम करें, उसमें ओ की लगा दी, इसमें लगा दिया, प्रेजेंटेशन ही अलग है बस, और कुछ नहीं है, मान लेगा बात, बस फर्क है। सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम इस स्टाइल में बोली है कि भागवतम के हर श्लोक में रस है, सिद्धांत तो है ही मगर उसके साथ रस है, और आप पढ़ के देखोगे ना आपको पता लगेगा, आपको पता लगेगा भावनाएं भरी हुई हैं हर श्लोक में। एक्चुअली रस है मतलब भावनाएं भरी हुई हैं, भगवान की भावनाएं भक्तों के प्रति और भक्त की भावनाएं भगवान के प्रति, और जिसको भावनाएं निकालनी आती हैं उनको बोलते हैं रसिक। भागवतम रसिकों के लिए है, रसिकों को भागवत निकालनी, भावनाएं निकालनी आती है, हमें नहीं आती निकालनी, हम तो भागवतम को भी एक ऑर्डिनरी किताब की तरह पढ़ते हैं, है नहीं, हम तो पॉइंट्स ढूंढते हैं, पॉइंट्स पॉइंट्स मेन बात नहीं है भागवत, पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट्स ढूंढोगे तो पॉइंट लोग चले जाओगे, रस ढूंढोगे तो कहां जाओगे, रस लोक, रस लोक तो एक ही है, गोलोक है, रसो वही सहा। ये देखो ये होते हैं वैदिक पंडित रस नहीं है ना, श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, ये साउथ साउथ इंडिया में ऐसे जप करते हैं, तो हमारे यहाँ तो गौड़ी वैष्णव ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ तो प्रॉपर गाते हैं। महापुर ने कहा यार ये क्या है, श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, महापुर ने कहा मृदंग लाओ भाई और हारमोनियम लाओ तब मजा आएगा। तो एक्चुअली म्यूजिक इसलिए इंट्रोड्यूस किया चाहते हैं आपने पता है, और किसी संप्रदाय में म्यूजिक नहीं है ज्यादा,
है भी तो वेदों के साथ नहीं करते म्यूजिक कभी भी। अगर है भी तो त्यागराज मधुबने उन्होंने भी म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया है। मैं कहा वेदों के साथ म्यूजिक नहीं हो सकता और पढ़ाई के साथ नहीं होता, अलग होता है। हमारे यहां तो शास्त्रों शास्त्री भागवत भी म्यूजिक में गा रहे हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एक्सपर्ट थे, वो भागवतम के एक एक श्लोक को अलग अलग ट्यून्स में गाते थे और रूपा गोस्वामी सब आके सुनते थे एक ही श्लोक को। आप कर सकते हो यहां पर ट्यून्स, अलग अलग ट्यून्स में गा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे यही श्लोक अभी एक तो ट्यून हम गा ही रहे हैं यहाँ पे जो जनरल चलती है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अरे पिबत भागवतम रसमालयम मुहोर अहो रसिका भुवि भावुकः। आप जब कल रिसाइट करो ना ट्यून में करा करो, ट्यून में करोगे तो भगवान को और अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान तो रसिक शिखर है ना, भगवान के आनंद के लिए बोल रहे हैं ना, बोलने के थोड़ी ना बोल रहे हैं। कृष्णा विल एप्रिशिएट किया यार ट्यून में बोल रहे हैं, ऐसे मत बोला करो। निगम भागवतम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखा प्रभ सह्य भूल गया भगवान कहेंगे क्या हो गया भाई ये मुझे ये तो क्या है, ये शुरू ही हो रहा है रसिकम रस शास्त्र है, मैं रसिक शेखर हूं ये तो मुझे रस ही नहीं दे रहा, ये तो बोर कर रहा है। खैर उसमें भी रस है, उसमें एक हास्य रस है हंसी आ जाएगी जरूर भगवान तो। बट ट्यून्स में बोलना अच्छा है एक्चुअली, ट्यून्स में याद करनी चाहिए। और भी ट्यून्स होंगे मेरे ख्याल से, सेट कर सकते हो आप ट्यून्स, गोकुल कर सकते हैं सेट। आती है मुकुंद ट्यून सुनाना। निगम कल्प तरो गलितं फलं सुख मुखाद द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओके गुड, रामानंद सिखाई होगी अलग अलग ट्यून्स हैं, ऐसे ट्यून्स आनी चाहिए बहुत अच्छा लगेगा। तो क्यों क्यों आनी चाहिए ट्यून, क्यों आनी चाहिए उस पहला रीजन क्या है, भगवान को रस देना है, पहली शिक्षा यही है। भगवान को रस मिलेगा तो फिर आपको रस मिलेगा, बस यही है तरीका, यही है। चैंटिंग में अगर रस पाना है तो भगवान को रस देना है, आपको चैंटिंग अच्छी लगने लगी उसी वक्त तत्क्षणात, देख लेना आप, देख लेना। अगर आप चैंटिंग में भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे होगे, ग्लोरीफाई कैसे कहेंगे, महिमा प्रशंसा, एक्चुअली मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, एक अच्छा वर्ड होना चाहिए ग्लोरीफाई का, अब स्तुति 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 गुणगान। अगर नाम हरे कृष्णा लेते वक्त भगवान आपकी भावना है कि भगवान का गुणगान कर रहे हो स्तुति कर रहे हो, इमीडिएट आपको रस आएगा, देखना शुश्रुभी तत्क्षणात, ये वही है हरे कृष्णा मंत्र सुनते ही तत्क्षणात रस आ जाएगा आपको, वरना बोर हो गया। बोर हम होते ही इसलिए, बोर जब भी हो रहे हो ना इसका मतलब है भगवान बोर हो रहे हैं आपसे, बस ये निष्कर्ष है, देख लेना बस। परमात्मा बोर हो रहे हैं इसलिए आत्मा बोर हो रही है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो इसका मतलब परमात्मा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हो इसका मतलब कृष्णा डिप्रेस हो रहे हैं, माइंड आउट हो रहा है इसका मतलब अब ये कैसे लगाओगे लॉन्च हमें परेशान देख, हम भगवान परेशान है, हम परेशान है, हमें देख के भगवान भी परेशान है, भाई ये तो क्या परेशान चल रहा है यार सो दैट्स अ होल आइडिया, बस ऐसे ही है। इसलिए इसलिए डिवोटी कभी दुखी होता ही नहीं, क्योंकि हमें पता है हम दुखी हैं तो भगवान भी दुखी हैं, या भगवान दुखी हैं तो आप भी दुखी हो, बस यही है। बस भगवान दुखी क्यों है, क्योंकि आप सही से कर ही नहीं रहे, गड़बड़ कर रहे हो, वरना हो ही नहीं सकता आप दुखी हो जाओ, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जो भागवत पढ़ रहा है भक्ति कर रहा है नाम ले रहा है वो दुखी कैसे हो सकता है यार, इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता। मतलब आप तो ये कह रहे हो कि पानी में गए और सूखे वापस आ गए, हो सकता है बाय चांस हो जाए, कभी नहीं, कभी हो जाए 1% 0.1% 0.001%,
नहीं हो सकता ना। तो ऐसी जो हरे कृष्ण में जब कर रहा है, भागवतम पढ़ रहा है सही से, इस भाव में कि भगवान के गुणगान है, भगवान की स्तुति है, ये समझ के कि वो रसिक शेखर है, उसको रस आएगा ही आएगा, वो कभी नहीं उसको डिप्रेस, मृत्यु पे भी उसको दुख नहीं होगा, मृत्यु भी उसको दुखी नहीं परेशान नहीं कर सकती। तभी तो भागवतम कह रही है कि मृत्यु पे भी विजय कर जाते हैं, हो ही नहीं सकता वो, बस ट्रिक ही है भगवान की स्तुति होनी चाहिए, भगवान को रस देना है। और वो रस कैसे दोगे, वो रस कहां से मिलेगा, सुखदेव गोस्वामी ने दे दिया, अभी आपको रस बनाना तो आता नहीं, कैसे बनाओगे रस, आता ही नहीं आपको, ना फल है ना रस है। तो व्यासदेव ने फल दे दिया, सुखदेव गोस्वामी ने उसका जूस निकाल दिया, व्यास ने तो मैंगोज दे दिए, सुखदेव गोस्वामी आपने कहा कि चलो यार मैंगो दो मैं जूस निकाल के दे देता हूँ, पीते रहो, बस ये है और कुछ नहीं है। निगम कल्पतरु और व्यासदेव, वेदांत सूत्र सारे वेदों का सिद्धांत दे दिया, फल दे दिए ना आपको, अब फल खाने में मजा आता है जूस पीने में, उसमें तो व्यासदेव हमारे फल बेचने वाले और सुखदेव गोस्वामी जूस निकालने वाले, व्यासदेव की तो रेडी है फल वाली, सुखदेव गोस्वामी की जूस शॉप है, जूस महंगा मिलता है। शुक मुखात अमृत द्रवा संयुतम, देख लो द्रवा संयुतम जूस ही है, द्रवा संयुतम वही है, द्रवा संयुतम का मतलब ही होता है, द्रव मतलब होता है, द्रव मतलब क्या कह सकेंगे, हाँ तरल पदार्थ, संयुतम मतलब पूरी तरह उसको तरल बना दिया, जूस ही है, जूस ही है वो। सो इसलिए हमारे जूस निकालने वाले कौन है, और फल बेचने वाले बस ये, और पेड़ पेड़ उगाने वाले हैं, पेड़ उगाने वाले ब्रह्मा है, बीज देने वाले कृष्णा, कृष्णा ने बीज लगाया, ब्रह्मा ने पेड़ उगाया, व्यासदेव ने उसमें फल उगाए और सुखदेव गोस्वामी ने जूस निकाल दिया, पीने वाले पी रहे हैं, वो तो आपके ऊपर, आप पीना चाहते हो क्या करना चाहते हो, फ्री मिल रहा है फ्री, और चैतन्य आप ने जूस की शॉप्स पूरे संसार में खोल दी, पहले तो जूस की शॉप सिर्फ नवदीप में थी, एक ही दुकान थी, या नैमिषारण्य में लगा लो, पहले जूस की शॉप नैमिषारण्य में थी दुनिया की, और फिर महाप्रभु ने पूरे संसार में शॉप्स खोल दी जूस की, हरे कृष्णा जूस शॉप हमारी सब जगह, और वो आप पी सकते हो, फ्री है आप पी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कह रहे हैं सुखम मुखा द्रवा मैं संयुतम पिबतम, तभी कह रहे हैं पियो, इसको पी लो बस, कुछ नहीं करना, मेहनत की हुई है भाई, पेड़ लगा दिया, फल आ गया, जूस निकाल दिया, पीना है, पी भी नहीं सकते क्या, हरामजादे हो क्या, अब ये बात है बस। प्रभुपाद तभी तो रास्कल कह रहे थे, मतलब मैं नहीं कह रहा ये, रास्कल को हिंदी में हरामजादे कहते हैं, महाराज ने मुझसे पूछा था एक बार मेल में कि रास्कल को हिंदी में कहते हैं, महाराज कह रहे थे, तो फिर मैंने रिसर्च की, मैंने कहा यार रास्कल होता क्या है, वैसे पहले जमाने में रास्कल उस टाइम इतना गंदा शब्द नहीं माना जाता है, बदमाश लिखा होता है, मगर एक्चुअली अगर ध्यान से देखो, फिर मैंने पूछा उर्दू वालों से इधर उधर से प्रोफेसर से, तो उन्होंने कहा असली मतलब हरामजादा होता है रास्कल का, मतलब रास्कल का मतलब डिक्शनरी देखोगे तो रास्कल का मतलब कि अपनी पत्नी से पैदा हो बच्चा नहीं, दूसरे की पत्नी से पैदा हो बच्चा, इल्लीगल बच्चे को रास्कल कहते हैं, तो हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, हरामजादी तो बोलते हैं, हाँ तो वो दिमाग में घुस जाता है ना, बदमाश थोड़े ना है वो, बदमाश नहीं है वो, डिक्शनरी में ये है रास्कल, ट्रांसलेशन तो थोड़ी सॉफ्ट की हुई है, धूर्त लिखा है ना वो, ट्रांसलेशन में कैसे लिख देंगे वो तो पिटेंगे, मगर अल्टीमेटली यही है रास्कल, वही होता है लिटरल मीनिंग, ऐसे यही है, बट द प्रॉब्लम इज यार, हाँ वो तो बात है, प्रभुपाद ने का तो प्रेजेंटेशन अच्छी है ना रास्कल बोलने की, प्रभुपाद मुखाद द्रवा अमृत संयुतम, हम बोलेंगे रास्कल हमें अच्छा नहीं लगेगा, प्रभुपाद का स्टाइल ऐसा है कि मजा आता है सुनने में, बट एनी वे यार, मतलब आपको सब कुछ बना के दे दिया फिर भी नहीं पी सकते, तो फिर क्या बोलेंगे बताओ, गाली देंगे ना, और क्या बोला जाएगा बताओ, क्या बोले कोई आदमी, सब कुछ कर दिया,
कौन है? ठीक है। सो देख रहे हो आप, हमारा हमारे पास सबसे बड़ा सौभाग्य और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, दोनों चीजें। अगर आप पी लो बना बनाया तो सबसे बड़ा सौभाग्य, और अगर नहीं पियो तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य। बस ये। तो भाई अब ऐसा है, जब जूस मिलता है ना तो बस पी लेना चाहिए, है नहीं? तो सोचना नहीं चाहिए फिर भाई, कहाँ बैठ के पीऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किस ग्लास में लूं। भाई मिल रहा है दे और पी जाओ खटखट, यही है ना, वरना खत्म हो जाएगा। जैसे दूध है, दूध मिलता है तो क्या करते हो, पी लेते हो ना बस जाकर। घंटी मिलता है, डिपोटिस को मिलता है रात को, तो घंटी बजती है सब जाते हैं ग्लास लेके पी लेते हैं, नहीं? ये थोड़े ना सोचते हैं कि भाई आप मुझे दूध यहाँ ला के दो वहाँ ला के, ज्यादा नखरे करोगे मिलेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। कुछ लोग नहीं भी पीते हैं तो वो नहीं भी पीते, ठीक है। कुछ लोग अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं कि मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है। बट भक्ति रस तो सबको पीना चाहिए। दूध तो अच्छी चीज है, आजकल के यूथ को अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, ऐसे मुझे भी लगता था बचपन में, हम तो सिटी से है ना, मुझे दूध से स्मेल आती थी तो मैं तो पीता नहीं था। हम तो पता नहीं आप लोग सिटी के, पता नहीं आप लोग पिया है दूध? हाँ हमें आती थी बचपन में, आता था हाँ या नहीं? हाँ हमने नहीं पीता था, मेरी मदर दूध देती थी, मेरे को इतना गंदा लगता था, मैं तो जाकर टॉयलेट में फेंक देता था। ऐसा मैं होता था, मैं टॉयलेट में पीऊंगा मम्मी, टॉयलेट में जाकर डाला फ्लश किया पी लिया, ऐसा था पहले। मतलब हम ऐसे ही थे बेकार लोग, दूध ही अच्छा नहीं लगता। मगर अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भक्ति से दूध भी अच्छा लगने लगा, गोरस भी अच्छा लगने लगा, भक्ति रस भी अच्छी लगने लगी, दोनों चीजें। ऑफकोर्स ब्रह्मचारी उसको ज्यादा दूध पीना नहीं चाहिए, ज्यादा काम कर रहे हो तो पी सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। फार्म पे पी सकते हो, फार्म पे तो काम मेहनत है ही, बट फिर भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा हो सकता है। ओके, बट एनीवे, भक्ति रस तो बाल्टी भर भर के पियो, उसमें लूज मोशन नहीं होंगे। ये भी ज्यादा पी लेके लूज मोशन होगा ना दूध पीने से, भक्ति रस से लूज मोशन नहीं होते, पी सकते हो। पेबतम बस ये करना है, पीना है तो हम कर सकते हैं, और यहां बैठ के पियोगे तो और मजा है। क्यों अच्छा नहीं है? क्यों दामोदर क्या कहते हो, राजचूरा में अच्छा है लेक्चर? यहाँ यहाँ पे आधा रस आ रहा है, नहीं रस ज्यादा आता है। सो पिबतम भागवतम रसम आलय, भागवत का रस पियो, क्योंकि भागवत क्या है, रस का आलय, आलय मतलब रस का घर है। तो भागवतम पढ़ने का तरीका ही है, भागवतम में आप रस ढूंढो, भावनाएं ढूंढो, भावनाएं ढूंढोगे तो भावनाएं बढ़ेंगी। फिलहाल सिर्फ पॉइंट्स मत घूमते रहो, वो भागवतम देने नहीं आई है, इमोशंस हैं भागवतम में। कुंती महारानी के इमोशंस हैं वहां भगवान के लिए, समझे? कुंती महारानी को स्तुति नहीं बोल रही है ऐसे, सिर्फ वो इमोशंस आपको निकालने पड़ेंगे। और फिर भगवान के इमोशंस हैं, भगवान कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कुंती से, कैसे देख रहे हैं, कैसे शर्मा रहे हैं भगवान, लिख रहे हैं ना भगवान, कुंती बोल रही है भगवान भी शर्मा रहे हैं, सबके सामने उनकी बुआ ही है। तो वो अगर आप एक्सेस कर लोगे ना तो माया तो छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि माया क्या है, माया तो भावना ही है ना, मतलब अल्टीमेटली माया आपको पटकती है भावना से, तो पटकती है भावनाएं, तो इधर उधर जा रही हैं, आपने भावनाएं फिक्स कर दी तो बस सब कुछ फिक्स है, फिर क्या करोगे आप, हो गया ना बस, है नहीं? माइंड आउट फेस आउट ये सब भावना ही तो है, और क्या, फ्रस्ट्रेटेड सब भावना ही तो कुछ उम्र हो रही है, खत्म हो गया आपका। और भावनाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, जिसकी भावनाएं सही है, भावनाओं के पीछे चलता है विचार और क्रियाएं, विचार के पीछे भावनाएं नहीं चलती। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तभी तो कृष्णा कह रहे हैं पंडित से पंडित आदमी भी एक इंद्रिया भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, वो फिर कौन सा श्लोक है वो, क्या है, एक इंद्रिया भी आउट ऑफ कंट्रोल होंगी तो गिर जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट मैन भी। क्यों? ये भावना के तूफान में
सारे लॉजिक ढह जाते हैं, कुछ कुछ नहीं. क्या है विपश्चिता, हरंती प्रसभम मनः, हर लेती है भावना है. सारे लॉजिक वहीं रह जाएंगे, वहीं रह जाएंगे. अगर माइंड में आ गया ना शादी करूंगा, मैं हजार लॉजिक देता रह जाऊंगा, आप ये करके ढाए 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 सब गिरा दोगे. समझ ही नहीं आएंगे कोई लॉजिक. एक्चुअली एक डिवोटी थे तो वृंदावन में आपके तो इंद्र रू नहीं है, इंद्र उदय तो हम भी बैठे थे, आनंद और हम सब थे. तो वहाँ पे एक फॉरनर डिवोटी था, तो कह रहा था इंद्र से, प्रभु जी मैं तो शादी कर रहा हूँ. इंद्र एक्सप्लेन कर रहे थे भी शादी मत करो, उसको समझ नहीं आ रहा. तो इंद्र को गुस्सा आ गया, इंद्र ने कहा शादी क्यों कर रहे हो तुम, बर्बाद हो जाओगे, ये सब क्या है तुम, मतलब टाइम वेस्ट करना है तुम्हें, भक्ति करो. तो उसको समझ नहीं आ रहा. इंद्र ने कहा तू बैठ गया. तो इंद्र ने भागवतम लाए, महाभारत लाए, रामायण लाए, सारी खोल डाली, सारे खोल के सारे श्लोक बता रहे हैं जहाँ पे लिखा है शादी मत करो, और शादी में प्रॉब्लम ये है, स्त्री में प्रॉब्लम ये है, माया है. पहले भागवतम से पढ़ा एक घंटा सारे श्लोक सारे चैप्टर्स में, ये आती महाराज का उपाख्यान, फिर उसके बाद क्या है वो पूर्व चित्ती का उपाख्यान, वो सब पढ़ डाला. फिर महाभारत में उन्होंने सारे श्लोक ढूंढे, रामायण ढूंढे, उपनिषद खोल डाले, मतलब 6 घंटे हो गए. हम तो प्रसाद भी लेके आ गए, वो वहीं बैठे थे. आंद्र वो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, सारे लॉजिक सब शास्त्र. फिर पूरा 6 घंटे बाद हम आए, हमने कहा अभी क्या हुआ, अभी तो कन्विंस हो गया होगा. 6 घंटे बाद उसने कहा आंद्र से, आंद्र वो ऐसा है कि लॉजिक तो सब सही है बट बस शादी करनी पड़ेगी. क्या करोगे, भावना खींच के ले जाती है. और वैधी भक्ति रागुणों का भक्ति में फर्क ही है. वैधी भक्ति कैसे चलती है, विचारों से, और रागुणों का भक्ति भावनाओं से. इसलिए वैधी अति मंद, रागानोगा अति तीव्र. वैधी अति मंद, रागानोगा गति तीव्र. भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं फास्ट चलेगी. अगर आपको भावना निकालनी आ गई आप यूं चलोगे, भावना नहीं आएंगी तो ऐसे नहीं होगा. गायक के साथ भी ऐसी है, आप गायक के साथ रहना है तो आप विचारों से थोड़ा ना चल पाओगे. आप आपके बैठेगी नहीं, आप थोड़ा ना कहोगे गाय आ जा खुश हो जा और कोई श्लोक भी बोलोगे याद दिलाओगे श्लोक आना चाहिए. वहां तो आपको भावना है, भावना ही है ना सचिन. गाय तो इमोशनल एनिमल है, बस आप दिमाग नहीं लगाना होता. ऐसी उसमें भी ऐसी हम बात नहीं करते, कीर्तन में भी ऐसी ही है. कीर्तन आप सोचोगे भगवान को आनंद देना है, हरे कृष्णा भगवान आनंद देना है आपको, आत्मेंद्र प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, नाच ही नहीं सकते. आपको भावनाएं को ओवरटेक करने देना है तब आप नाचोगे. ऑफकोर्स विचार को हम डिलीट नहीं करते, क्योंकि विचार डिलीट ही कर दोगे तो फिर तो कहीं से कहीं पहुंच जाओगे. विचार विचार भावनाओं का सेवक है तो ठीक रहता है. विचार भावनाओं को सपोर्ट करना चाहिए. भावना विचार को सपोर्ट करे वो सही नहीं है, वो गलत है. वो तभी कृष्णा क्या कह रहे हैं गीता में, क्या कह रहे हैं, कौन सा श्लोक है, विचार भावना को सपोर्ट करनी चाहिए. भावना विचार को सपोर्ट नहीं करेंगी. श्लोक तो पता है आपको, तीर तो आपके पास चलाने नहीं आते. बहुत फेमस है भाई. क्या हो गया, बुधा भाव समन्वित, वही अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्तः भजन्ते माम. बुद्धा भाव समन्विता, बुद्धिमान व्यक्ति समन्वय कहां करता है, भाव में. भाव में समन्वय होता है उसके सारी बुद्धि का. बुद्धा भाव समन्विता, अंडरस्टैंडिंग तो यही है. सारी फिलॉसफी का अंत किस में, प्रेम में भाई, भावनाओं में है. बुद्धा भाव समन्विता तब काम चलता है. वही भागवतम है, पिबतम भागवतम रसमालयम. भागवतम कह रही है पियो दबा के
भाग भक्ति का रस और मुंह रहो। मुंह क्या होता है? मुंह क्या होता है? हाँ, मुंह मतलब बार बार। मुंह 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 समझते हैं, मुंह वैसे तो हिंदी वर्ड नहीं, मुंह मुंह क्या वर्ड है? मुंह फीलिंग नहीं आ रही आपको मुंह में? अच्छा नहीं आ रही आप लोगों को मुंह में फीलिंग नहीं आ रही। मुंह मतलब बार बार, वो तो मुंह होता है ये मुंह है, मुंह मुंह। अहर्निशम, अहर्निशम सुना है? आहा हा बोलते हैं, आहा दिन पे दिन पे दिन पे दिन, आहा मुंह बार 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 बार। सो बार बार पियो, बार बार पियो, बार बार पियो। अब पॉइंट ये कि ऐसा क्यों नहीं कह रहे एक बार पियो? ये एक बार पीने से संतुष्टि नहीं होगी। एक्चुअली एक बार पीने से संतुष्टि हो भी गई तब भी और लोभ आ जाएगा पीने का। दैट्स अ होल आइडिया ना, जूस है ना ये। तो एक बार पीने से आपको पूरी संतुष्टि हो गई मैंगो जूस, तो फिर और मन करेगा, है नहीं? अगर अच्छा होगा तो और मन करेगा ना। इसलिए कह रहे हैं बार बार पीते रहो, बार बार पीते रहो, जितनी बार पियोगे और मन करेगा पीने का। ये भागवत है मुहूर अहो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अहो। अहो मतलब पता है क्या होता है? अहो मतलब सरप्राइज होता है। प्रभुपाद पता नहीं क्या लिख रहे हैं वो। ओ हाँ कह रहे हैं, ओ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ओह कितनी सुंदर बात है, कितना सौभाग्य है। अहो इसलिए कह रहे हैं कि अनलिमिटेड रस से आप बार बार पी के अपना उस रस से अपनी भावनाओं को ठीक कर सकते हो, भावनाओं को अच्छा कर सकते हो, आप भगवान के पास जा सकते हो, वो रस आप अनुभव कर सकते हो हमारी स्टेज में। एक्चुअली कमेंट्री में तो आचार्य ये भी लिख रहे हैं कि भागवत का रस ऐसा है कि वैसे तो भागवत का रस, भक्ति का रस तो परमहंस ही अनुभव कर सकते हैं, सुखदेव गोस्वामी की प्रेजेंटेशन ऐसी है कि गधा भी रस पी सकता है। सुखदेव गोस्वामी मतलब वैसे तो आप देखो, वैसे तो कोई लेक्चर देगा तो समझ नहीं आएगा। सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह लेक्चर दिया कि व्यासदेव भी बैठे हैं, ज्ञानी भी बैठा है, योगी भी बैठा है, बच्चा भी बैठा है, सबको मजा आ रहा है। ये सुखदेव गोस्वामी है, दैट इज सुखदेव गोस्वामी। इसलिए कह रहे हैं अहो अहो कितना सुंदर रस है कि इस रस को सोम रस पीने से तो केवल सोमरस पीने से तो केवल उम्र आयु बढ़ती है, भक्ति रस भागवत का रस पीने से अमर हो जाते हैं। अमृत, अमृत बोला है ना, अमृत द्रव संयुतम, अमृत हो जाए। अमृत मतलब मृत्यु को पार कर जाओ, ये रस ऐसा है। इसलिए कह रहे हैं बार बार पियो, अहो रसिका रसिक बनो। दैट्स द होल आइडिया, रसिक बनो, सिद्धांतवादी मत बनो, वो आप फेल हो जाओगे। आप जो गिफ्ट देने आए महाप्रभु वहीं रह जाएगा आपका। सिद्धांत कंद रस में रसिक बनने की कोशिश करो। भाव के लिए बेचीते, भाव के लिए बेचीते, नॉट अ बैड आइडिया। श्लोक है उसे तेने का, भाव के लिए बेचीते आमी आइला काशीपुर, आमी आइला काशीपुर, ग्राहक नाही ना बिकाए लैया जाब घरे। आपने कहा मैं भाव के लिए बेचने आया हूं काशी में, मगर कोई ग्राहक नहीं मिल रहा इसलिए वापस लेके जा रहा हूँ। काशी में तो सब मायावादी पंडित थे ना, ग्राहक ही नहीं थे। भाव के लिए बेचने आए हैं, भाव। अब ये बात है कि भाई छोटी सी बात है बट समझना मुश्किल होता है। समझना पता है कि मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी अगर सबसे बहुत सबसे बेस्ट फ्रेंड है तो बुद्धि है, सबसे बड़ी दुश्मन है तो बुद्धि है। जिसको ये समझ आ गया वो सबसे बड़ी बुद्धिमान व्यक्ति है। आप देख लेना, समझ आएगा आपको भी। सो वो टाइम पे समझ आएगा, वो रसिकों को समझ आ जाता है ये क्या है। सो रसिका रसिका विश्वनाथ चक्री ठाकुर को रसिकाचार्य कहते हैं, विश्वनाथ ठाकुर रसिकाचार्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर ये सब रसिकाचार्य हैं। रसिका भूवि भावो कहा, और रसिक सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भावुक बन जाओ। भावुक समझते हो? भावुक तो वैसे वर्ड इमोशनल हो गया हिंदी में, यहां पे मतलब हुआ भावुक मतलब जो भाव को समझता है, जो भाव को, जो सेवा भाव को, जो भगवान के भाव को, जो भक्तों के भाव को, जो भक्ति की भावनाओं को समझता है उसको भावुक कहते हैं। जो भावुक होता है वो फिर धीरे धीरे क्या बन जाता है,
रसिक बन जाता है, क्योंकि उन भावनाओं के मेल से ही रस आता है, नहीं? भगवान की भावनाएं, भक्तों की भावनाएं, वो जब मिलती हैं तो उससे क्या आता है? उससे रस आता है। तो इसलिए भावुक बनो, और फिर जब भावनाएं मिलेंगी, आपकी भावनाएं, भगवान की भावनाएं, तो उससे रस आएगा और फिर रसिक बन जाओगे आप। दैट्स अ होल आइडिया बस। सो ये आप लर्न कर लेना श्लोक। एक्चुअली पता है, ये जो तीन श्लोक है ना, इसी तीन श्लोकों के दृष्टिकोण से हम सारी भागवत पढ़ते हैं। संस्कृत में एक तरीका होता है पढ़ने का। संस्कृत में कुछ श्लोक होते हैं गाइडिंग श्लोक, और कुछ श्लोक होते हैं कंटेंट वाले, मतलब क्या संस्कृत में क्या कहेंगे, कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं, पानी नहीं है, हाँ सर, तो संस्कृत में कुछ लोग, तो कुछ लोग होते हैं परिभाषा सूत्र, पानी नहीं में एटलीस्ट, और कुछ होते हैं सूत्र। तो परिभाषा सूत्र के अकॉर्डिंग ही बाकी सूत्र पढ़े जाते हैं, उसको दृष्टि में रखते हुए, समझ गए? जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवद गीता का परिभाषा सूत्र क्या है, सर धर्मान परितज्जे, नहीं, उसकी दृष्टिकोण से हम सारे श्लोक पढ़ेंगे, समझ गए? तो ऐसी भागवत का परिभाषा सूत्र क्या है, ये तीन श्लोक है, 1, 2, 3, इसी की दृष्टिकोण से आप भागवत पढ़ोगे, वरना कहीं और खो जाओगे। तो परिभाषा सूत्र है ये कि रसिक बनो, रस ढूंढो, तो रस ही ढूंढेंगे हम सब में। सुखदेव गोस्वामी चाहते हैं ये करो, परिभाषा सूत्र है, ऑथर चाहता है ये मेरी बुक से निकालो और कुछ मत निकालो, समझ गए? वरना मैथ्स की किताब से इंग्लिश भी सीख सकते हो, है नहीं? इंग्लिश में लिखी है वो। अब वो ऑथर लिखेगा, भाई मैंने मैथ्स की किताब लिखी है इसलिए लिखी है, तुम्हें कैलकुलेशन आ जाए, इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं लिखी है। तो आपका माइंड सही रहेगा ना, हाँ भाई ये कैलकुलेशन के लिए लिखी है ऑथर ने, कैलकुलेशन सीखने, इंग्लिश के लिए दूसरी किताब है। तो परिभाषा सूत्र है, सुता गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी परिभाषा दे रहे हैं, भाई ये रसिक शास्त्र है, भाव देने के लिए किताब लिखी है, इस किताब से तुम पॉइंट्स, सिद्धांत, मसाला मत निकालते रहो, तुम्हारी मर्जियां निकाल सकते हो, मगर मैंने इसलिए नहीं लिखी है, मैंने मैथ्स की किताब लिखी है कैलकुलेशन सिखाने के लिए। तुम पागल हो, वहां से इंग्लिश सीख रहे हो, तुम्हारी पागलपंती, समझ गए? सो दैट्स अ होल आइडिया। इसे परिभाषा सूत्र को कभी आप अनदेखा करोगे, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले तीन श्लोक हैं, तो आप याद कर लेना, कल पूछूंगा मैं श्लोक, कुछ क्वेश्चन हैं तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हो गया बस। क्या कह रहे हो? भाव, भाव के लिए सिद्धांतों की आवश्यकता तो है, 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 भाव के लिए सिद्धांत की आवश्यकता है डेफिनेटली, बट हम ये कह रहे हैं कि सिद्धांतों में फंसे मत रहो, सिद्धांत को भी इस तरह पढ़ो कि भाव तक पहुंचना है, क्योंकि कई लोग सिद्धांत को इस तरह पढ़ सकते हैं कि सिद्धांत में घुसना है, वो लज जाते हैं फिर, वो लक्ष्य पता होना चाहिए ना, वरना तभी तभी फिर वेदवाद रता पारता बनेंगे, फिर बात शुरू हो जाएंगे। तभी तो रूपा गोस्वामी के पास कितने सारे स्कॉलर आते थे, रूपा गोस्वामी कहते थे हम डिबेट करेंगे, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं मैंने हार मान ली, लो साइन करके दे देता, किसको दे, मिलाचार्य को, नहीं कौन था वो, कौन आया था, एक बहुत बड़ा आया था ना कोई, मैं नाम भूल गया, भक्ति रत्नाकर में कोई आया, बहुत बड़ा स्कॉलर आया था, रूपा गोस्वामी साइन करके दे दिया। वैसे तो वल्लभाचार्य के साथ भी हुआ था, वल्लभाचार्य के साथ हार तो मान ली थी रूपा गोस्वामी ने पॉइंट पे, वल्लभाचार्य ने कहा था अभी आपने सही नहीं लिखा ये श्लोक, वो कौन सा श्लोक था, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते। तो भी वल्लाचार्य ने कहा यार तुमने तो भुक्ति मुक्ति को पिशाची बोल दिया, जब तक भुक्ति मुक्ति पिशाची हृदय में रहेगी तब तक भक्ति का सुख नहीं आएगा। तो रूपा गोस्वामी ने ठीक है मान ली बात, जीव गोस्वामी गए, उन्होंने कहा आपने ऐसे कैसे बोल दिया, उन्होंने कहा गलत है, उन्होंने ये नहीं बोला भुक्ति मुक्ति पिशाची, उन्होंने बोला भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत, भुक्ति मुक्ति की स्प्रिया पिशाची है, स्प्रिया मतलब समझते हो, भुक्ति मुक्ति की इच्छा पिशाची है, भुक्ति मुक्ति पिशाची नहीं बोला। तो वल्लाचार्य ने कहा है बात तो सही है, वल्लाचार्य ने आके माफी मांगी, रूपा गोस्वामी ने कहा नहीं रूपा गोस्वामी ने तो जीवा गोस्वामी डांटा, इतने सीनियर है तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुम निकल लो मेरी नजरों से, हालांकि गलत थे वो, फिर रूपा गोस्वामी ने कहा कि तुमने मर्यादा तोड़ी है, निकल लो तुम यहां से, वहां लॉजिक नहीं है, फिर तुमने भावना खराब की है ना, लॉजिक तो बाद की बात है, तुमने क्यों करा ऐसे, तो निकाल दिया। सो दैट्स अ होल पॉइंट, तो ये फर्क है नहीं, तो सिद्धांत तो पता होना चाहिए, सिद्धांत का गोल भावना है, अदरवाइज फंस जाओगे उसमें, बहुत बुरी तरह। संसार में
समाज के प्रति भावनाएं जा रही हैं वो कहां से आ रही है? उसमें तो कोई सिद्धांत नहीं है पीछे। उसमें क्या नहीं है? सिद्धांत कोई भी नहीं है, अपने आप ही जा रहा है मन। उसमें आपका बहुत बड़ा सिद्धांत है भाई, अनंत जन्मों से सिद्धांत बना के बैठे हो। एक जन्म का सिद्धांत थोड़ा ना है, वो तो अनंत जन्मों का सिद्धांत है आपका। हमारा अपना सिद्धांत है, और जिसको आपने अपने अहंकार की सीमेंट से पूरा एक दीवार खड़ी कर दी है, जिसको ना गुरु तोड़ पा रहे हैं ना भगवान तोड़ पा रहे हैं। ये यही है, ईंट की दीवार की तरह हमारा सिद्धांत। तो भक्तों का सिद्धांत मिट्टी की दीवार की तरह, तोड़ जल्दी तोड़ दोगे। ऐसे ही है बस, सबका सिद्धांत तो होता ही है, सबका अपना आइडिया होता है। होता है क्या कह रहे हो भरत? वेदों को निगम और आगम दो नाम क्यों दिए? निगम मतलब अलग है, निगम मतलब है कि जहां से सारा ज्ञान जाता है, आगम मतलब है जहां पे सारा ज्ञान है, सारी नॉलेज है आगम। निगम मतलब वहां से स्प्रेड होगा बस। ये तो कई नाम होते हैं, भगवत गीता के कई नाम है, सबका अलग अलग मतलब है। आपका भी तो बचपन का नाम होगा है भरत, कुछ तो होगा घर का नाम। कई लोगों का होता है घर का नाम अलग होता है, वैसे नाम होता है घर में अलग बुलाते हैं है? नहीं अलग ही नाम होता है, अलग ही होता है। चिंटू मिंटू ऐसे होते हैं, वैसे वैसे अलग होता है, वैसे चिंटू मिंटू होते हैं। मेरी दादी भी बुलाती थी मुझे मटर की फुलिया, मैं ये नाम रखा हुआ था पता नहीं क्यों ऐसे ही वो मुझे यही बुलाते रहते थे। ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है, सबका नाम तो ऐसे ही है बस, और क्या है। कुछ नाम का कोई रीजन भी नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, आनंद के लिए रखा जाता है। जैसे कृष्ण का नाम है, कृष्ण ऑफिशियल नेम है, वृंदावन में कोई कृष्णा नहीं बुलाता, वृंदावन में क्या बुलाते हैं? कन्हैया, काना। तो अब कोई मतलब तो ऐसा नहीं है काना का, बट बुलाते हैं श्याम है, लल्ला भी कहते हैं वैसे तो, बरसाने में तो ये कहते हैं वात्सल्य रस में। मतलब वो तो चलो कृष्ण है, विष्णु के भी ऐसे नाम है पेट नेम। जो रंगनाथ जी हैं तो विष्णु तो एक किंग की तरह है ना, फिर भी उनका पेट नेम है। जैसे रंगनाथ जी का नाम है रंगा, तो अंडाल उनको रंगा बुलाती है। पोएम्स में देख लो अलवार्ड्स की, रंगा रंगा बुला रही है उनको, रंगा सीधा। सो उनके भी नाम है अलग अलग। तो कुछ नाम के रीजन नहीं होते, कुछ नाम हैप्पीनेस के लिए होते हैं। जैसे प्रभुपाद बुलाते थे, प्रभुपाद सबको अलग अलग नाम से बुलाते थे। तो भक्ति संता भी तो कौन थे आपके तीर्थ महाराज थे, तो भक्ति संत उनको बुलाते थे ओलिया, क्योंकि 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 वहां पे मठ में तो एक प्रिंसेस आई थी ब्रिटेन से, तो उसका नाम ओलिया था, प्रिंसेस ओलिया। तो वो भक्ति संत खिड़की में खड़े थे, तो वो उसके पीछे पीछे जा रहे थे। मतलब प्रिंसेस है ना, मतलब उसको ग्रीट करने के लिए हर जगह। तो भक्ति संत जब आए तो भक्ति संत ने कहा हाँ भाई तुम तो ओलिया के चेले हो, आज तो मैं ओलिया महाराज बुलाएंगे। योगी ने कहा तुम उसके पीछे पीछे घूमे जा रहे हो। तो प्रभुपाद भी ऐसे थे। तो प्रभुपाद जो ब्रह्मानंद स्वामी थे, मोटे थे ना बड़े, तो प्रभुपाद उसको बुलाते थे क्या बुलाते थे, ब्रह्मांड स्वामी। ब्रह्मांड स्वामी को बुला के लेके आओ। ऐसे ही प्रभुपाद ने सबके नाम रखे हुए थे, सबके नाम रखे हुए थे। क्या है? दैट्स भावना है, इसको कहते हैं रसिक। लॉजिक नहीं चलेगा, लॉजिक तो छूट गया। ओके सो ठीक है, वील स्टॉप है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद भागवतम की जय।